देश में हर साल संसद में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। बजट के दौरान बहुत से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसे समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है। तो आइए जानते हैं बजट में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का मतलब। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। इसे राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है। इसमें सरकार अगर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देती है, यानी कमाई कम और ज्यादा खर्च के बीच का जो अंतर आता है, उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। अब जानते हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स किसी व्यक्ति की कमाई के ऊपर लगता है। इसमें नागरिक सीधे तौर पर सरकार को पैसे का भुगतान करता है। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज के प्रोड्यूसर्स पर लगाया जाता है और ग्राहकों द्वारा इनडायरेक्ट भुगतान किया जाता है। अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। इससे भारत सरकार को ये तय करने में मदद मिलती है कि उसे आर्थिक गतिविधियों में कितना पैसा खर्च करना चाहिए और इससे कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए। अगले टर्म का नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर आदि जैसी संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसे खर्च करती है, जिससे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता रहे। और आखिर में बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार टैक्स और अन्य स्रोतों से जितना पैसा कमाती है वो उनके द्वारा देश पर खर्च किए जाने वाली राशि से कम होता है।